दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि नोडियल और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस सीजन में खांसी की प्रॉब्लम बहुत देखने के लिए आ रही है और पेरेंट्स अपने बच्चों की खांसी को लेकर बहुत परेशान हैं और अक्सर पेरेंट्स बच्चों की खांसी शुरू होते ही केमिस्ट के पास जाके कोई ना कोई दवाई बच्चे को जरूर देते हैं और आमतौर पर देखा गया है कि खांसी ठीक होने की जगह और बिगड़ जाती है। तो आइए जानते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन कारण जिससे कि बच्चों को बार बार खांसी हो सकती है। मेरे पास पेशेंट आया जिसने बताया, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बार बार खांसी होती है और ये खांसी सीजन बदलने के टाइम पे बढ़ जाती है। बच्चा जब रात को सोता है या सुबह जल्दी उठता है तो उसकी खांसी बहुत तेज होती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, कई बार बच्चा छाती में दर्द बताता है, उसका सांस फूल रहा होता है और धूल मिट्टी या कुत्ता या किसी बिल्ली के कॉन्टैक्ट में आने से उसकी खांसी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि वो एक्सरसाइज करके आए या खेल कूद के आए तो भी उसकी खांसी बढ़ जाती है। आमतौर पर देखा गया है इस तरीके के पेशेंट्स के अंदर उनके पेरेंट्स के अंदर भी इस तरीके की हिस्ट्री पाई जाती है। ऐसी खांसियाँ एलर्जिक कफ के अंदर आती हैं। एलर्जिक खांसी के अंदर ज्यादातर बच्चों में सांस लेने में जकड़न होती है और इसकी ट्रीटमेंट बाकी खांसियों से अलग रहती है। प्लीज कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिले और बच्चे का पूरा इलाज स्टार्ट करवाएं। ऐसे बच्चों के अंदर सीजन शुरू होने से पहले ही हम कुछ ऐसी दवाइयां शुरू कर देते हैं जिनको हम प्रिवेंटर कहते हैं, जिससे कि ऐसे बच्चों की खांसी बढ़ती नहीं है। केस नंबर 2, अगला केस आता है कि छोटा बच्चा है और जितनी बार दूध पीता है उतनी बार उसको खांसी होती है, तो इसका इलाज आप करिए और इसकी दवाई मुझे बताइए। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर बच्चा हर बार फीडिंग के टाइम पे खांसी कर रहा है उसके कुछ कॉमन कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि आपकी बच्चे को फीड करने की पोजीशन यानी कि बच्चे को पकड़ने का तरीका गलत है। बच्चे का सिर थोड़ा नीचे की तरफ है जिसकी वजह से बच्चे के सांस की नली में दूध चला जाता है और बच्चा चोकिंग की वजह से खांसी करता है। यह बच्चों में बार बार खांसी होने का बहुत मुख्य कारण है। सेकेंड कारण, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे पैदाइशी उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसमें सांस की नली और खाने की नली में कुछ ना कुछ जुड़ाव होता है, मतलब कि इनके अंदर आपस में कनेक्शन होता है। जितनी बार बच्चा दूध पीता है वही दूध निकलकर बच्चे की सांस की नली में जाता है जिससे कि बच्चे को बार बार खांसी होती है। ये सेकेंड प्रॉब्लम यूजुअली सर्जिकल प्रॉब्लम होती है, इसका दवाइयों से इलाज संभव नहीं है। ऐसे केस में बच्चों का छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसके लिए आपको पीडियाट्रिक सर्जन से मिलना चाहिए, यानी कि बच्चों के शल्य चिकित्सक से। केस नंबर 3, काफी सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा 9 महीने का हो गया है, साल का हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत छोटा लगता है, इसका वजन नहीं बढ़ रहा है या दूध पीते पीते ढीला पड़ जाता है और इसकी सांस भी फूलने लगती है, तो इसका कारण क्या है? ज्यादातर केस में देखा गया है जो बच्चे नीले पड़ रहे हैं, दूध पीने में दिक्कत हो रही है और बार बार बच्चों को खांसी या निमोनिया बन रहा है, ऐसे बच्चों में पाया जाता है कि यूजुअली इन बच्चों के अंदर पैदाइशी हार्ट की प्रॉब्लम यानी कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकता है। इस वजह से जितनी बार बच्चा दूध पिएगा उतनी बार उसका सांस फूलेगा और बच्चा नीला पड़ जाएगा। तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह ले, जरूरत पड़ेगी तो वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी रेफर करेंगे। आते हैं नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन के ऊपर कि मेरा बच्चा खांसी करता रहता है, बार बार इसको फीवर हो जाता है, मतलब कि बुखार आता रहता है, यह मुंह खोल के सांस लेता है और रात को सोने के टाइम पे खराटे भी मारता है। ऐसी वाली खांसी यूजली टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स यानी कि जो हमारे गले के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं उसकी स्वेलिंग की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम होती है और इस तरीके की खांसी का ट्रीटमेंट बाकी खांसियों से बिल्कुल डिफरेंट है। यूजली देखा गया है कि ऐसे बच्चों की ग्रोथ भी पूरी तरीके से नहीं होती है, ये बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, इनको बार बार बुखार, खांसी और इनका गला खराब होता रहता है और इनको कई बार खाना निगलने में भी गले में दर्द होता है। यूजुअली हर बच्चे को इस तरीके के टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन 4-5 बार एक साल में हो सकते हैं, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा मतलब 5-6 से ज्यादा हर साल बच्चे को इन्फेक्ट कर रहे हैं और मोर देन 3 इयर्स मतलब कि 3 साल से ज्यादा बच्चे को लगातार ये प्रॉब्लम रहती है तो कई बार ENT स्पेशलिस्ट इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, मतलब ऑपरेशन से टॉन्सिल्स को निकाल दिया जाता है। अगला बहुत कॉमन केस जो हमारे पास आता है वो होता है निमोनिया का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, खांसी एक बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। अलग अलग बीमारियों के साथ खांसी हो सकती है लेकिन हर खांसी निमोनिया नहीं होती है। निमोनिया के कुछ कॉमन लक्षण मैं आपको बताना चाहूंगी। उसमें पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे की पसलियां तेज चलती हैं। जो बच्चे के पसलियां होती हैं मतलब कि हड्डियां जो होती हैं दोनों साइड,
जब बच्चा सांस लेता है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इन हड्डियों के बीच में बच्चे के गड्ढे पड़ते हैं, हर सांस के साथ ये जगह अंदर की तरफ खिंचती है, इसे बोलते हैं पसली चलना। बच्चा कराहता है, जैसे कि हम कहते हैं, मतलब कि बच्चे को सांस बहुत तेज से लेनी पड़ रही है, उसकी सांस रुक रही है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये अगेन एक बहुत कॉमन लक्षण है, पसली चलना, कराहना, या हर बार छोटे बच्चे इस तरीके से गर्दन हिलाते हैं, इसको हम हेड नॉडिंग बोलते हैं। इसका मतलब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चे को तेज बुखार है, बच्चा खाना या पानी नहीं पी पा रहा है, छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बच्चे दूध नहीं पी पा रहे हैं, जितना नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं उससे कम कर रहे हैं या सुस्त पड़ जा रहे हैं। ये सारे बहुत डेंजरस यानी कि खतरनाक लक्षण है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी बच्चे को तुरंत किसी भी हॉस्पिटल में लेके आइए। तो अब आते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चे को बार बार खांसी और जुकाम होने से कैसे बचा सकती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, खांसी और जुकाम एक दूसरे से फैलते हैं, मतलब कि अगर मुझे खांसी है और मैं मुंह खोल के खांसी कर रही हूँ तो मेरे सामने जितने भी लोग मेरे से कॉन्टैक्ट में आएंगे उन सबको खांसी हो सकती है। तो प्लीज जब भी आपको खांसी है या किसी भी फैमिली मेंबर को खांसी है, बच्चे के सामने उसको प्यार ना करें, उसे किस ना करें और उससे पास कॉन्टैक्ट ना रखें, खुद मास्क लगाएं और बच्चे से दूर रहें ताकि बच्चे को वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं हो। बच्चे की डाइट का विशेष ध्यान रखें, बच्चे का खाना संतुलित होना चाहिए, उसको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा मिलनी चाहिए जो कि बच्चे को बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। जो प्रॉब्लम्स बच्चे को जन्म से है, जैसे कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज या कोई लंग्स की प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो बच्चे को जन्म से ही है, उसका प्रॉपर इलाज कराइए। अगर आप उसका ढंग से इलाज कराते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हार्ट से रिलेटेड भी होती हैं भाभी ठीक हो जाती हैं, चाहे ऑपरेशन से चाहे दवाई से। विद उम्र, विद एज के साथ भी कई प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन मतलब कि डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि केमिस्ट से लेकर कोई भी दवाई और एंटीबायोटिक आपको अपने बच्चे को खुद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बार बार दवाइयां खाने की वजह से बच्चे के शरीर में उस एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस बन जाती है, मतलब कि वो दवाई बच्चे को जरूरत पड़ने पर काम नहीं देगी। हर खांसी का इलाज डिफरेंट है, हर खांसी का आंसर एंटीबायोटिक नहीं है, खांसी कई तरीके की है, सारी खांसियों में एक तरीके की दवाई यूज नहीं होती है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज का मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। खांसी से रिलेटेड कोई भी और कन्फ्यूजन आपको अगर हो, कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, तो आप इसके नीचे, वीडियो के नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके बच्चों और आपकी फैमिली की अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं डॉक्टर रश्मि नौडियाल आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।